अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रो का लफ्ज़ ही वाटर से निकला, ठीक है। और वाटर को सोचते हैं तो फिर हमें डिस्चार्ज याद आता है, एक फ़्लो, ठीक है। डिस्चार्ज, जब बारिश आती है तो एक डिस्चार्ज क्रिएट होता है, जिसके जो फ़्लो होता है, जिसको हम कहते हैं। और ये वॉल्यूम पर टाइम होता है, यानी कि इतने वॉल्यूम का पानी बह रहा है इतने टाइम में, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, पर टाइम। तो ये एक्चुअली हाइड्रोग्राफ होता क्या है, एक तरह का ग्राफ है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन दी डिस्चार्ज एंड टाइम। इस डिस्चार्ज, इस फ्लो और के टाइम के दरमियान जो ग्राफ अचीव होता है हमें, वो हाइड्रोग्राफ होता है। फर्ज़ करें बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश जब स्टार्टिंग में होगी तो वो उसका जो डिस्चार्ज होगा वो थोड़ा होगा, बढ़ता जाएगा जो जो बारिश बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम आएगा बारिश की मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर उसके बाद फ़ौरन बारिश ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बारिश ख़त्म हो जाती है तो बहाव तो फ़ौरन नहीं रुक जाएगा, डिस्चार्ज तो फ़ौरन नहीं ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि पानी तो वो बह रहा है नाली नाली के अंदर, ठीक है। वो बहता रहेगा, लेकिन पानी मज़ीद आना कम हो गया, इसलिए पानी बहता बहता तो कम हो गया, उसका हाइट कम हो जाएगी, तो डिस्चार्ज कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, स्लो 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 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एंड एट द एंड पानी ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ अचीव होता है हमें। जब बारिश से पहले पहले जो हमें ग्राफ, ये ग्राफ अचीव होता है, इसको हम कहते हैं राइजिंग लिम्ब। और जो ये बात का कर्व है हमारे पास, इसको हम कहते हैं फॉलिंग लिम्ब। अब राइजिंग लिम्ब किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये बारिश से पहले का है, यानी कि बारिश हो रही थी तब, तो बारिश पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल पे और कैचमेंट एरिया पे। अगर कैचमेंट एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा बनेगा। जब डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो फिर ये राइजिंग लिम्ब भी जल्दी इंक्रीज़ होगा, स्टीडली बढ़ेगा, ठीक है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो ये भी जल्दी होगा, डिस्चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि फॉलिंग लिम्ब सिर्फ कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही तो ये बारिश पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ, अब कैचमेंट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ये फॉलिंग लिम्ब स्लो स्लो नीचे आएगा, अगर ये कम सॉरी ये जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी पानी मूव गुजर जाएगा उसमें से, ठीक है। तो ये कैचमेंट एरिया पे फॉलिंग लिम्ब डिपेंड करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये टी बी, ये जो बारिश का ड्यूरेशन है, जितने में ये ग्राफ बना है, ये पूरा जो टाइम है, इसको हम कहते हैं बेस टाइम, ठीक है। बेस टाइम ऐसा टाइम है, टोटल टाइम फॉर हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ बनने का जो पूरा टाइम है उसको कहते हैं हाइड्रोग्राफ फॉर्मेशन का टाइम, यानी बेस टाइम। इसके बाद आ जाता है लैग टाइम। लैग टाइम क्या होता है? अब फ़र्ज़ कर लें एक हम ये ग्राफ हमें मिला, ठीक है, ये ग्राफ हमें मिल गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ये हम ज़ीरो टाइम से स्टार्ट हुआ, ये 6 घंटे बाद जाके एंड हुआ, ठीक है। अब हम इसको 6 घंटे बाद, हम कहते हैं कि यही बारिश अगर 6 घंटे बाद होती तो कैसी होती, तो उसका क्या ग्राफ बनता? तो यही बारिश का हम ग्राफ आगे ले जाते हैं 6 घंटे बाद का। तो ये हम यहाँ ले गए इसको मूव करके, तो इसको हम कहते हैं कि इसको हमने लैग करवा दिया। कितना लैग करवा दिया? 6 घंटे बाद, यानी बारिश हुई थी 0 टाइम पे स्टार्ट, और लेकिन हमने इसको अब जो यही वाली बारिश का जो है ग्राफ आगे मूव करवा दिया फॉरवर्ड। कितना मूव करवाया? 6 घंटे बाद। तो वही ग्राफ मिलेगा हमें, लेकिन थोड़ा सा आगे हो जाएगा। और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम के दरमियान का जो फासला होगा, उसे हम कह सकते हैं कि वो लैग टाइम है, ठीक है। लैग टाइम कह सकते हैं, या फिर ये भी डेफिनेशन होती है लैग टाइम की, कि ये जो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो आपको ग्राफ नीचे दिया होगा हाइड्रोग्राफ, ठीक है, इसकी जो डेप्थ होगी, यानी कि इसके डिस्चार्ज की टोटल डेप्थ कितनी होगी, कितने डेप्थ में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो रन ऑफ का जो डेप्थ होगी वो यहाँ पे शो होती है ऊपर बॉक्स में, ठीक है। ये जितनी हाइट होगी साइड पे, ये रन ऑफ डेप्थ कहलाती है, और ये बेस टाइम होता है टोटल, ठीक है, ये डब्बा होगा। अब ये जो बॉक्स है, इसके सेंट्रॉइड से लेके जिस ग्राफ का आपने लैग टाइम फाइंड करना है उसके सेंटर तक, ठीक है, उस सेंटर तक जो फासला है वो कितना है, लैग वन कह देता हूँ मैं। और इसी बॉक्स के सेंट्रॉइड से लेके दूसरे ग्राफ के सेंट्रॉइड तक जो मैक्सिमम तक का फासला है उसको मैं कह देता हूँ लैग टू। जब लैग टू में से लैग वन माइनस करता हूँ मैं, तो मेरे पास लैग टाइम आ जाता है। एक ये भी डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप, डेफिनेशन ही है, लैग टाइम हो जाता है। यानी कि इसको कितना लैग हुआ है, ये टाइम कितना आगे फॉरवर्ड मूव किया, वो 6 घंटे है, ठीक है। अब ये फैक्टर ऑन विच ग्राफ डिपेंड, ये ग्राफ किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये ग्राफ किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। पहले तो ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया, यानी कि कैचमेंट जो है आपकी वो है कैसी। फ़र्ज़ करें एक ये एरिया है बड़ा, ठीक है, गोल। अब इस पे बारिश हो रही है तो इस पे आपके पास पानी हर तरफ से आएगा, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। लेकिन जब ये वाला एरिया, एक
इसमें यहाँ पे भी बारिश हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी, इतनी जगह से जब दूर से पानी आने में टाइम लगेगा इसको यहाँ तक, ठीक है। तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा बनिस्बत इसके, इसमें जल्दी सारा पानी आ जाएगा, करीब है सारे एरिया, तो सारा एरिया पानी जल्दी आ जाएगा नदी में और ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। इसमें डिस्चार्ज ज़्यादा होगा जबकि इसमें कम होगा, क्योंकि इसमें एरिया थोड़ा सा कंसनट्रेटेड है और इसमें पानी दूर से आएगा तो फ्लो करके तो डिस्चार्ज स्लो हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रीम डेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कितनी है हमारे पास, छोटी छोटी नदियाँ कितनी हैं जो कि उस पानी को लेके आ रही हैं हमारी इस झील तक, ठीक है, इस नाली तक। तो वो छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होंगी, अगर ये देखें ये छोटी छोटी स्ट्रीम कितनी ज़्यादा है इसमें, तो सारा पानी इन स्ट्रीम के ज़रिए जल्दी जल्दी इसके अंदर आ जाएगा, फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज इसका ज़्यादा हो जाएगा बनिस्बत इसके कि इसमें दो झीलें हैं, सिर्फ दो स्ट्रीम्स हैं, जिसकी वजह से पानी का डिस्चार्ज स्लो स्लो आएगा तो डिस्चार्ज कम होगा। तो स्ट्रीम की डेंसिटी पर, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पर डिपेंड करती है। इसके बाद ड्रेनेज डेंसिटी, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रीम कितनी है, उसकी लेंथ है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, जिसकी ज़्यादा चौड़ाई होगी नाली की वो ज़्यादा पानी ले आएगी, जिसमें कम होगी वो कम लेके आएगी, तो डिस्चार्ज भी वेरी करेगा। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, बारिश जाहिर सी बात है जिस एरिया में ज़्यादा होगी उस एरिया में डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, जिस एरिया में कम होगी उसमें कम होगा। तो ये जो है ग्राफ वो हमारा इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद ड्यूरेशन, कितनी देर बारिश हो रही है, तो जितनी देर बारिश होगी उतना ज़्यादा डिस्चार्ज क्रिएट होगा, तो ये ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करती है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि बारिश का फ्लो किस तरह है, अगर इस तरह बारिश हो रही है तो पानी, अगर ये नाली है तो बारिश का फ्लो यहाँ पे हो रहा है तो बारिश पानी यहाँ जाने के बजाय ज़्यादा यहाँ मूव करेगा, तो स्लोली स्लोली यहाँ पे आएगा, तो इसलिए डिस्चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस फ्लो पे भी, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है ये। इसके बाद फॉर्म फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि एवरेज विड्थ पर लेंथ कितनी है एक स्ट्रीम की, विड्थ जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्चार्ज क्रिएट करेगा। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट रन ऑफ में एक्चुअली है कि आप जब बारिश आती है, ठीक है, तो दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास। एक आता है कि सरफेस है, ये वाटर सॉइल है, ठीक है, सॉइल में दो काम होते हैं। बारिश आती है तो पानी आधा तो ज़मीन के ऊपर फ्लो करने लग जाता है, ठीक है, और आधा ज़मीन के अंदर चला जाता है, सीप डाउन हो जाता है और उसमें यूं मूव कर जाता है, यानी कि वो भी एक फ़्लो जनरेट करता है नीचे, यानी कि ज़मीन के नीचे, उसको हम कहते हैं बेस फ्लो। एक बेस फ्लो होता है और एक ऊपर सरफेस के ऊपर जो फ्लो होता है, यानी कि जिसको हम रन ऑफ कहते हैं। तो ये दोनों फ्लो मिलके हमारे पास टोटल हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। हाइड्रोग्राफ में हमारे दोनों फ्लो आ रहे होते हैं, बेस फ्लो भी आ रहा होता है और नीचे बेस फ्लो होता है और ऊपर रन ऑफ होता है, ठीक है, दोनों बन रहे होते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रन ऑफ सरफेस वाला फ्लो जो होता है वो माना जाता है, बेस फ्लो वो माइनस कर देता है उसमें से, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोग्राफ जो हमारा बनेगा, जिस तरह हम बना रहे थे पहले, उसमें से अगर हम बेस फ्लो जो गिवन होगा हमें क्वेश्चन में, तो बेस फ्लो हम माइनस कर देंगे उसमें से, तो उतना डिस्चार्ज माइनस कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट रन ऑफ आ जाएगा, जिसमें सिर्फ रन ऑफ सरफेस का आता है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक दिया हुआ एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास बेस फ्लो जो है वो इतना है, यानी कि 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है बेस फ्लो है, क्वेश्चन में गिवन है, और टोटल जो हाइड्रोग्राफ की वो मैक्सिमम डिस्चार्ज बताया वो 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो जब 5 मीटर क्यूब सेकेंड निकालेंगे इसमें से, यानी बेस फ्लो माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आ जाएगा, जो कि ये आ गया हमारे पास, और इसकी टोटल फिर हाइट मैक्सिमम डिस्चार्ज 25 रह जाएगा। तो ये है डायरेक्ट रन ऑफ निकालने का तरीका, ठीक है, हाइड्रोग्राफ। अब इसके बाद एक नोट आता है कि वाटर ईयर क्या होता है। वाटर ईयर डेफिनेशन होती है इसकी, कि 1 जून से लेकर 31 मई तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम वाटर ईयर कहते हैं। डेप्थ ऑफ द रन ऑफ, अब टोटल असल काम जो हमारा मेन होता है ना, मेन एम ये होता है कि हमारा डेप्थ निकाली जाए रेन ऑफ की, कि इस फ्लो जो हो रहा है ऊपर सरफेस के ऊपर उसकी डेप्थ कितनी है, कितनी मिलीमीटर पर, कितना सेंटीमीटर, कितनी बारिश हुई, ठीक है। तो डेप्थ निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, डेप्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम पर एरिया। एरिया हमें गिवन होता है, एरिया ये कैचमेंट का एरिया होता है, ठीक है, किलोमीटर सेकेंड में होता है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर सेकेंड। अब इसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमें कैसे मिलता है, मेन एम हमारा वॉल्यूम था। फिर वॉल्यूम क्या होगा, क्यू इंटू टी, टाइम, और ये होगा डिस्चार्ज। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोग्राफ जो हमारा मिला है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, उसका अगर हम एरिया निकाल लें पूरे का, यानी कि इसका हम पूरा का एरिया निकाल लें अगर, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम अचीव हो जाएगा उस रन ऑफ का, ठीक है। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया डेप्थ आ जाएगी हमारे पास। मेन एम हमारे पास डेप्थ फाइंड करना होता है कि कितने सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो उसके लिए फार्मूले हमारे पास हैं कि अगर हमें डेप्थ निकालनी हो तो रन ऑफ डेप्थ निकालने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, 0.36 इंटू ई ओ
ईओ क्या है अब यहाँ पे, सम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डी आर, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की जो वैल्यूज आएंगे डिस्चार्ज की उनका अगर आप सम कर दें तो ये वो ईओ है। और टी क्या है, ये टाइम इंटरवल है, यानी कि टाइम, दो टाइम इंटरवल दिए होंगे आपको, उसके दरमियान का जो इंटरवल का फासला होगा यानी कि डिफरेंस उनका दो टाइम्स का, एडजेसेंट टाइम इंटरवल्स जो होंगे उनका टाइम होगा ये। और एरिया क्या होगा, ये कैचमेंट एरिया है, गिवन होगा आपके पास, ठीक है। और ये जो एन की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में आएगी, और ये एरिया किलोमीटर पर सेकंड में होगा, जबकि डिस्चार्ज मीटर के ऊपर सेकंड में। और ये बस यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है रन ऑफ और प्रेसिपिटेशन के दरमियान रिलेशन का, ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये रिलेशन आप याद रखें, ठीक है। इसमें ये चीज़ें भी याद रखने कि ये पी क्या है, आर क्या है, ये नंबर ऑफ टाइम इंटरवल है, जितना टाइम दिया होगा यानी कि जितने नंबर ऑफ टाइम, अगर 0, 1, 2, 3 तीन और दिए हैं तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है आपका टाइम, तो ये इस तरह हो जाएगा मेन आपका ये फार्मूला है। अब इसके बाद इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्दर। ये टाइम दिया हुआ 5, 5 AM, 8 AM, 11 AM, 2 AM, 5 AM, 5 PM, 8 PM और 11 PM, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है सारा। इसके बाद ये डिस्चार्ज आता है, डिस्चार्ज की वैल्यूज दी हुई हैं, और ये डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है टोटल हाइड्रोग्राफ का, ठीक है। ये बेस फ्लो दिया हुआ है, बेस फ्लो अगर हम माइनस करेंगे तो ही डायरेक्ट रन ऑफ आएगा, जो कि हमें फाइंड करना लाजमी है, ठीक है। अगर हमें डेप्थ निकालनी है तो उसके लिए लाजमी हमें डायरेक्ट रन ऑफ चाहिए उसका ग्राफ, तो उसका डिस्चार्ज फाइंड कैसे करेंगे, टोटल हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो माइनस कर देंगे तो आता जाएगा हमारे पास डायरेक्ट रन ऑफ के डिस्चार्ज, इसका हम सम कर लेंगे तो ई ओ आ जाएगा, सम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डी आर, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ का। फिर उसके बाद टी क्या है, टी टाइम का इंटरवल है 5, 8, 11, डिफरेंस कितना है इन टाइम के दरमियान, 3 का, तो 3 3 आवर्स आ गया, और ये टोटल ई ओ आ गया हमारा, ये 0.36 कॉन्स्टेंट था, और एरिया कैचमेंट का दिया हुआ था 30 किलोमीटर सेकेंड, तो इसमें से आपके पास डेप्थ आ गई 5.9 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो था आपका कि आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है, यानी कि इसमें आपका बेस फ्लो माइनस होता है सिर्फ, कुछ ना कुछ डेप्थ होती है। लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ नाम से ही जाहिर है, यूनिट मीन्स वन, जिसका डेप्थ, जिस हाइड्रोग्राफ डायरेक्ट, जिसके डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की डेप्थ आपके पास आए, यानी कि एन इज इक्वल टू वन आ जाए, तो 1 सेंटीमीटर या कोई कुछ भी आए, ठीक है, तो 1 यूनिट आना चाहिए, तो 1 आ जाए तो फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाता है वो, वही डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। तो अब डेफिनेशन होती है इसकी, रन ऑफ डेप्थ जिसकी हो जाए 1 1 यूनिट हो जाए, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी, 1 फुट भी, तो यूनिट कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है ये डेफिनेशन इसकी, टाइम फॉर, ये टाइम की है यूनिट ड्यूरेशन, टाइम फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल, उसको हम कहते हैं यूनिट ड्यूरेशन, ठीक है, यानी कि यूनिट सेंटीमीटर जो डेप्थ बनाने वाला टाइम है उसको यूनिट ड्यूरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम यूनिट हाइड्रोग्राफ में कुछ अजम्पशन लेते हैं, तो अजम्पशन क्या है, पहली के इफेक्टिव रेनफॉल विल बी कॉन्स्टेंट विद टाइम, यानी कि जो रेनफॉल इफेक्टिव है ना, ठीक है, डिस्चार्ज, वो कॉन्स्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दूसरा है कि लीनियर रिस्पॉन्स होगा, लीनियर रिस्पॉन्स यानी कि आप एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, मीन्स कि एक इनपुट आउटपुट करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे इनपुट में, तो वो चेंज प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट में भी, तो एक चीज़ चेंज करने से दूसरी चीज़ भी चेंज होगी। फ़र्ज़ करेंगे आपके पास ग्राफ बना हुआ है, ये देखें, इसमें आपके पास ग्राफ है, पहले ये ग्राफ दिया हुआ था आपके पास, आप क्या करते हैं कि ये 0 टाइम पे स्टार्ट हो रहा था, आप इसको लैग करते हैं, इसी ग्राफ को लैग करवा देते हैं कितना, 6 और लेटर, यानी कि ये 6 घंटे बाद होता, तो किस तरह का बनता ग्राफ, तो ये इस तरह का बनता, ठीक है, 6 घंटे बाद। तो इसको आपने इनपुट इसमें कर दिया, इस ज़ीरो जो इस ड्यूरेशन में ऐड कर दिया कितना, 6, एक और ग्राफ ऐड कर दिया, तो ये टोटल दोनों मिलके कितना बन गया ग्राफ, इनका जो सम बनेगा वो एक बड़ा ग्राफ बनेगा, कितने घंटे का, पहले वाला 6 घंटे का था, दूसरे वाला भी 6 घंटे का था, तो टोटल 6 सॉरी पहले वाला 3 घंटे का, दूसरा 3 घंटे का, तो टोटल बन जाएगा 6 और का, यानी कि डबल हो जाएगा उसका, तो ये आउटपुट आ गया आपके पास। आपने इनपुट में कुछ चेंजिंग की, लैग करवाया एक, तो फिर आपके पास आउटपुट में भी चेंजिंग आ गई, ठीक है, तो ये होता है लीनियर रिस्पॉन्स। इसके बाद आता है रेनफॉल इंटेंसिटी, यानी कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में रेनफॉल इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, किस तरह इंटेंसिटी होती क्या है, डेप्थ पर टाइम, ठीक है। इसमें अब जो डेप्थ है वो आपकी 1 सेंटीमीटर ही रहनी है, तो 1 ही रहनी है, तो ड्यूरेशन चेंज होता रहेगा,
लेकिन इंटेंसिटी आपकी इस तरह कांस्टेंट रहेगी सारी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो होगी वो यूनिट हाइड्रोग्राफ में कांस्टेंट रहेगी। इसी सूरत में ही डेप्थ आपकी वन रह सकती है, वरना अगर इंटेंसिटी चेंज होगी तो फिर डेप्थ कुछ ना कुछ चेंज होती रहेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहता है हर एरिया पे कांस्टेंट, यानी कि अगर ये एरिया इस पर इस जगह भी सेम है, इस जगह भी सेम है, हर जगह इंटेंसिटी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इक्वली। और उसके बाद कहता है डिस्चार्ज ओनली ड्यू टू द रेन, यानी कि डिस्चार्ज जो फ्लो होगा, रन ऑफ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से जनरेट होगा। ये नहीं है कि स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल की वजह से भी डिस्चार्ज बनेगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये अजम्पशन थी उसकी। इसके बाद आ जाता है लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन है कि इस एरिया के अंदर अंदर ही ये एप्लीकेबल है यूनिट हाइड्रोग्राफ, उसके बाहर एप्लीकेबल नहीं है। यानी 2 किलोमीटर स्क्वेयर से लेके 5000 किलोमीटर स्क्वेयर तक ये एप्लीकेबल है। इसके बाद एप्लीकेशन इसकी है कि इसकी यूजेज क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ हम कब यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें 3 घंटे का, फ़र्ज़ कर लेंगे 3 घंटे का हमारे पास डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, तो वो कहता है कि 18 घंटे का निकालो इससे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम यूनिट हाइड्रोग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। और फ़र्ज़ कर लें 1 सेंटीमीटर का हमें यानी कि DRH दिया हुआ है, यानी कि यूनिट हाइड्रोग्राफ ही हो गया वो, तो 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो उसके वो कहता है कि किसी किसी डेप्थ पे, उसने डेप्थ दी होगी nth डेप्थ, कोई डेप्थ दी होगी उस पे आप मुझे वैल्यू निकाल के दें उसकी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की, ठीक है। अगर ड्यूरेशन तो सेम होगा तो फिर आप क्या कर देंगे, इसी यूनिट हाइड्रोग्राफ को n से मल्टीप्लाई कर देंगे जो डेप्थ दी होगी, तो वो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ ड्यूरेशन चेंज होगा तो n डेप्थ पे कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो इसका पहले एग्जाम्पल पहले वाला देख लेते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल है, इसका यूजेज क्या है। अब फ़र्ज़ करना है ये हमें घंटे और दिए हुए हैं, ठीक है, ये और दिया हुआ है 0:00 जब टाइम था, अब जब 6 घंटे गुजर गए उसके बाद का ड्यूरेशन डिस्चार्ज दिया हुआ है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ की वैल्यू है, यानी यूनिट डिस्चार्ज है, यानी कि जब डेप्थ आपकी 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो 12 घंटे बाद, 18 घंटे बाद, ठीक है, ये सारा डिस्चार्ज दिया होगा आपके पास। इसके बाद आपके पास यहाँ तक तो टेबल आपको गिवन होगा, पहले 2 कॉलम गिवन होंगे। उसके बाद वो कहता है कि मुझे मुझे बताएं आप 18 आवर्स बाद बताएं मुझे कि इसका क्या होगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बताएं और यूनिट हाइड्रोग्राफ भी बता दें उसका, ठीक है। तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, उससे ये निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए हमें टोटल चाहिए 18 घंटे बाद, ये तो हमें दिया हुआ है 0 टाइम पे, ठीक है। तो हम इसको लैग करवाएंगे कितना, ये देखें, ये मैंने ग्राफ बना लिया इसका। ये ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से पहला जो यूनिट आपके पास यूनिट डिस्चार्ज दिया हुआ है यूनिट हाइड्रोग्राफ के, वो बना लेंगे आप, ठीक है। जब डेप्थ कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, ये देखें, ये मैं डेप्थ शो कर रहा हूँ यहाँ पे, डेप्थ 1 सेंटीमीटर थी इस ग्राफ के लिए। और ड्यूरेशन कितना, बेस इसका टाइम क्या है, 6 घंटे, 6 ओवर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लैग करवाऊँगा, कितना लैग करवाऊँगा, 6 घंटे लैग करवाऊँगा इसको, 6 घंटे लैग करवाऊँगा। तो मैं यानी कि 6 घंटे बाद स्टार्ट करूँगा इसको ऐसे, वही ग्राफ को, तो इसको मैं 6 घंटे बाद लैग करवा रहा हूँ, यानी कि 0 से ना स्टार्ट करके अब मैं इसका, या 6 घंटे बाद स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। डिस्चार्ज की वैल्यूज, अब ये डिस्चार्ज की वैल्यू यही रहेंगी, लेकिन एक फर्दर चेंज हो जाएगा नीचे, क्योंकि 1 घंटे लेट किए, 6 घंटे लेट किए मैंने, तो 6 घंटे बाद स्टार्ट होगा, ये डिस्चार्ज 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 55, ठीक है। ये लैग हो गया, ये लैग हो गया 6 घंटे बाद। अब 6 घंटे लैग करके ये डिस्चार्ज आ गया मेरे पास, ये भी यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं लैग करवाऊँगा 12 घंटे बाद, यानी कि 6 के बाद 12 घंटे, 0 से 6 घंटे करवाए, 6 घंटे से 12 घंटे पर आ गया मैं, 12 घंटे बाद स्टार्ट होगा मेरा ये डिस्चार्ज, यानी कि 0 पहले इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 40 इधर, इसी तरह 55 45, ठीक है। ये फर्दर लैग हो जाएगा 1 घंटे, 6 घंटे और, तो 12 घंटे लैग हो गया। अब मुझे 18 घंटे पूरे करने थे, 18 घंटे का ड्यूरेशन आ जाएगा। अब लैग करवाया मैंने 6 घंटे, 12 घंटे, ये देखें, एक और 1 घंटे लैग करवाऊँगा, तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट सेम रहेगी, तो ये हो गया टोटल मेरे पास जो ड्यूरेशन आ गया वो 18 घंटे का आ गया। 18 घंटे के मैंने दो तीनों बना लिए हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब 12 घंटे और 6 घंटे वाला अगर मैं ऐड कर दूं, लैग जो मैंने 6 घंटे और 12 घंटे वाला करवाया, तो मेरे पास 18 घंटे टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज मेरे पास अगर मैं इनका सम कर दूँ, इन दो डिस्चार्ज का, तो मेरे पास 18 घंटों का डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं सम करूँगा 0 आ जाएगा, इसका सम 0, इन दो का सम करूँगा 10 आ जाएगा, इनका 50, इसका 95, फिर इसके बाद 105, 140,
ये इसके बाद आया था 37 एक्चुअली आना था, ठीक है, और ये 7 बनता है इस तरह। तो इन दो का सम करते हुए आपका आंसर आ जाता है। ये एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 5 9, ठीक है, ये 90 आना था। तो इसमें कुछ ना कुछ आप देख लीजिएगा, इसमें इन दो का ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, और इन दो को तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह फर्दर आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो, ये कुछ वैल्यूज़ गलत हैं, ठीक कर लेंगे आप। तो इस तरह आप डिस्चार्ज आ जाएगा दोनों का सम करने से 612 का। तो 18 घंटे का आपके पास डिस्चार्ज आ गया टोटल। तो उन डिस्चार्ज के मुताबिक आप बना लेंगे अपना यहाँ पे ग्राफ, वो इस तरह का कुछ बन जाएगा। तो उसको आप कहेंगे कि टोटल ग्राफ आया मेरे पास डायरेक्ट रन ऑफ का, वो डायरेक्ट रन ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि डेप्थ इसमें 1 1 ऐड हुई है, 3 घंटे का लैग करवाया, तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर का डेप्थ थी, दूसरे के लिए भी 1 सेंटीमीटर की डेप्थ थी, अगले के लिए भी 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ थे ना। तो तीनों का जो सम डेप्थ मिलेगी तो कितने डेप्थ के लिए हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर डेप्थ का यूनिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा मुझे, जो सम मिलेगा, क्योंकि मैंने जो लैग करवाया वो तीनों तीन ग्राफ लैग करवाए, हर की डेप्थ जो थी वो 1 सेंटीमीटर थी, तो टोटल डेप्थ कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए मेरे पास डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आ गया, ये डिस्चार्ज आ गया, ठीक है। अगर वो कहता है यूनिट ये 18 घंटे के लिए आ गया मेरे पास, पहला कंप्लीट हो गया मेरे पास, दूसरा अगर वो यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछता है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकलेगा। अब ये 3 सेंटीमीटर के लिए मेरे पास था डिस्चार्ज जो भी गिवन था, ठीक है, ये सारा। अब ये 3 घंटे के लिए था, 18 घंटे पे, 18 और पे अब मुझे निकालना है यूनिट हाइड्रोग्राफ, यानी 3 ख़त्म करना है इसको, इसकी जगह 1 सेंटीमीटर करना है, यूनिट निकालना है ना। तो डेप्थ डिवाइड कर दूंगा इससे मैं 3 पे, इसके डिस्चार्ज को मैं 3 पे डिवाइड कर दूंगा, इस हर डिस्चार्ज को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है इसकी। तो ये 3 पे डिवाइड करने से मुझे मिल गया यूनिट हाइड्रोग्राफ 418 आवर। तो ये तो हो गया पहला इसका एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं जब डेप्थ गिवन होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब मेरे पास डेप्थ गिवन होगी यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, यही मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ ले लेता हूँ, यही वाली वैल्यूज, ठीक है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन था ना मुझे, तो डिस्चार्ज की यही वैल्यू रहने देता हूँ मैं। और वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि पहले 6 घंटे में जो बारिश हुई उसकी इंटेंसिटी थी 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में आपके पास जो कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, 1 सेंटीमीटर। तो वो कहता है 6 घंटों में कितनी होगी, पहले 6 घंटों में कितनी होगी, 6 आवर में फिर 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आगे वो कहता है कि नेक्स्ट 6 आवर, यानी कि 6 से 12, अब 6 से 12 घंटे में, यानी कि नेक्स्ट 6 आवर में जो बारिश हुई वो कितनी इंटेंसिटी की थी, वो 0.5, यानी कि नेक्स्ट 6 आवर में, यानी कि नेक्स्ट जो 6 आवर में थी वो हुई 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो यूँ कह लें कि आप 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी हुई बारिश, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर बारिश हुई 1 घंटे में नेक्स्ट। तो फिर यही 6 घंटे हैं नेक्स्ट भी, तो 6 आवर में कितनी होगी, 6 आवर में 3 सेंटीमीटर होगी ना, ठीक है, मल्टीप्ल। तो टोटल जो पहले घंटे में, 6 घंटे में 6 सेंटीमीटर बारिश हुई डेप्थ की, और अगले 6 घंटों में 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई, तो टोटल डेप्थ कितनी आ गई, टोटल डेप्थ मेरी कितनी आ जाएगी बारिश की, यानी कि 2 घंटे है ना फर्दर लैग करवाया, एक पहले 6 घंटे और अगले 6 घंटे, यानी कि 12 घंटे में टोटल बारिश कितनी हुई, 12 घंटे का निकालूंगा मैं, पहले 6 घंटे को ऐड करूंगा नेक्स्ट वाले 6 घंटे, यानी कि 12 जो अगले बनेंगे सर, तो 12 कितने बनेंगे इसका, पहली डेप्थ है 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, टोटल डेप्थ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल डेप्थ आ गई आपके पास। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, उसने डेप्थ पूछी थी। अब इसके बाद उसने कहा एरिया निकालो, तो मेरे पास एक फार्मूला था रन ऑफ डेप्थ का, ये मैंने अभी बताया। तो एरिया इसमें से इधर निकल आएगा, मुझे डेप्थ पता है 9 सेंटीमीटर। ई ओ कैसे निकलेगा, डायरेक्ट रन ऑफ का सम करूंगा डिस्चार्ज का, और टी क्या टाइम इंटरवल, अब इसका टाइम इंटरवल कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 आवर आ जाएगा, ठीक है। ई ओ किस तरह निकलेगा, ई ओ के लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ई मैं ग्राफ बनाऊंगा इसके लिए। अब पहले ये यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है डिस्चार्ज की वैल्यू, ये वाली मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 6 घंटों में कितनी बारिश हुई, 6 मिलीमीटर, पहले 6 घंटों में 6 मिलीमीटर बारिश हुई, तो मैं उसका ग्राफ बना रहा हूँ, पहले 6 घंटे, ये देखें पहले 6 घंटे में कितनी बारिश हुई, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ था, यानी कि 1 सेंटीमीटर के लिए की डेप्थ के लिए ग्राफ था। अगर मुझे 6 सेंटीमीटर की डेप्थ के लिए ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो किस तरह निकालूंगा मैं, 6 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा डिस्चार्ज को,
मुझे डिस्चार्ज गिवन है 1 सेंटीमीटर की डेप्थ के लिए, तो मुझे अगर 6 सेंटीमीटर की डेप्थ के लिए चाहिए तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है डिस्चार्ज को, तो मैं डिस्चार्ज को 6 से मल्टीप्लाई करवाता जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, या वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट 6 आ रही, यानी कि 6 घंटे लेट हुआ, डिले किया यानी कि लैग हुआ, तो लैग किस तरह होगा, तो लेट स्टार्ट होगा यानी कि पहला 0 रहेगा, दूसरा भी 0, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा यानी कि ये लैग होते जाएगा, ये 0 यहाँ नेक्स्ट में आएगा, फिर इधर से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 सेंटीमीटर के लिए चाहिए मुझे अब, तो यूनिट 1 सेंटीमीटर के लिए गिवन है, तो 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिस्चार्ज को, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 आ जाएगा, फिर 3 से ये 120, ये 120 नीचे आना था, ठीक है, ये लैग हुआ ना एक, तो ये इसलिए नीचे मूव होगा क्योंकि नेक्स्ट 6 और में हुआ ना, तो लैग हुआ है 1 6 घंटों का। तो इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करवा के वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब इनका क्या करना है, 6 आवर के लिए गिवन है और नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए यानी कि टोटल 12 आवर के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका डायरेक्ट रन ऑफ चाहिए, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब इनका सम कर दूंगा, टोटल आ जाएगा ना रन ऑफ का, तो नेक्स्ट 6 आवर और फर्स्ट 6 आवर की वैल्यूज़ ऐड करता जाऊँगा, ये वैल्यूज़ यूँ ऐड होंगी तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनका आप सम कर लेंगे, हो सकता है वैल्यूज़ कुछ ना कुछ चेंज हो, ठीक है, आप खुद एक्यूरेट कर लीजिएगा। अब इसमें इसका सम कर लेंगे तो डायरेक्ट रन ऑफ का जो वैल्यूज़ का सम आएगा डिस्चार्ज का, वो आएगा 1683। तो इसमें आप पुट करेंगे 1683 की वैल्यू, तो आपके पास एन की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, थैंक यू।